हम लोग का सर 2 घंटा से हम लोग इलाज करा के दवा दुकान खोजते खोजते थक गए, तो एक चाय दुकान वाले से पूछे तो बताए, तो हम लोग चलते चलते यहाँ आए, तो 1.5 घंटा हम लोग लाइन में लगे, तो सर हम लोग का दवा मिला, कहीं दवा का दुकान खुला हुआ नहीं मिल रहा है हम लोग का, इसलिए हम लोग का बहुत परेशानी है। आपको किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यही सर, हम लोग को दवा के लिए हम तो आए हैं बेतिया पश्चिम चंपारण से, फिर यहाँ आए तो दवा पुर्जा उर्जा कटा के दिखाए और यहाँ पे आए तो सभी दवाई वाली जो कहीं बंद थी, तो फिर यहाँ हम लोग आए तो 2 घंटे से नंबर में लगे हैं, तो जाके दवा मिला है, फिर अब मिला है तो हम लोग अब जा रहे हैं। पूरे राजधानी समेत पूरे देश में 1 दिवसीय व्यापी बंदी है दवा दुकानों की, और इसको लेके पटना के गोविंद मित्रा रोड में बिहार केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन के 1 दिवसीय धरना पर यहां पर लोग बैठे हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि पूरे तरीके से बंदी के दौरान लोग यहाँ पर धरने स्थल पर बैठे हैं। और सर ये बताइए कि आप लोग की मांग क्या है, आप लोग किस लिए धरने पर बैठे हैं? हम लोगों का मांग, पहली मांग है कि 25 अगस्त को जो ई फार्मेसी के ऊपर भारत सरकार का ड्राफ्ट रूल आया है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। वो ड्राफ्ट रूल को तब तक स्थगित किया जाए जब तक भारत के अनुरूप भारत के केमिस्टों के जो 40 लाख परिवार पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं इनका प्रभावित नहीं हो, उसके अनुरूप ड्राफ्ट रूल बनाया जाए और उपभोक्ता का भी, भारतीय उपभोक्ता का भी ध्यान रखा जाए कि ऐसा सुनिश्चित किया जाए कि ई फार्मेसी के चलते प्रतिबंधित दवाएं, नशीली दवाएं या शेड्यूल H1 की दवाओं का दुरुपयोग नहीं हो पावे। और दूसरा है कि बिहार में जो भी रिटेल दुकान है वो फार्मासिस्ट के नाम पर उनकी दुकानें नहीं बंद हो। हमें फार्मासिस्ट रखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि सरकार उचित मात्रा में फार्मासिस्ट दूर दराज गाँवों तक सरकार उपलब्ध करवावे। तो क्या आपको कहीं आपको लगता है कि जैसे ई फार्मेसी दुकान जो चल रहे हैं, ऑनलाइन जो दवा दुकानें मिले, कहीं ना कहीं ये जो दवा दुकानें उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं? 100% ये ई फार्मेसी में क्या है कि जितने ड्रग एक्ट से हमारे साथ शक्ति से कानून बना हुआ है वही शक्ति उनके ऊपर भी लागू हो। आज हमारे ऊपर कंपनी का ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अनुसार हमको कमीशन फिक्स होती है, वही चीज़ उनके ऊपर भी फिक्स हो। सर आपको क्या लगता है कि क्या होनी चाहिए दवा दुकानों, ई कॉमर्स वेबसाइटों के लेके जो जिस प्रकार से दवा बिक्री हो रही है ऑनलाइन? देखिए, ऑनलाइन बिक्री होने पर एक तो सही समय पर दवा दे ही नहीं सकते हैं, और बीमारी ऐसे चीज़ है कि अचानक आते हैं। आज अगर किसी को सलाइन बोतल की ज़रूरत है ई फार्मेसी से मंगाएंगे जब तक मरीज की हालत क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं, इसलिए ई फार्मेसी तो आना ही नहीं चाहिए। सही समय पर सही दवा उपलब्ध मेरे मरीज को नहीं होगा, न जनता हित में है न दुकान के हित में। लोगों का यहाँ पर कहना है कि दवा हित जो ई फार्मेसी जो है वो लोगों के हित में नहीं है। पटना से नीरज कुमार, न्यूज़ 4 नेशन।